फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता और आप सबका बहुत स्वागत है ममाज वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टिप्स फॉर ब्रेस्टफीडिंग मदर्स। ब्रेस्टफीडिंग मदर्स जो होती है उनके लिए ये ब्रेस्टफीडिंग जर्नी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नी होती है, लेकिन साथ ही में ये कहीं ना कहीं पेनफुल जरूर होती है। बहुत सारी वुमन जो होती है या जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती है, जो न्यू मदर्स होती है, वो इस बारे में बात करना कम्फर्टेबल नहीं होती है। वो शायद फील करते हैं डॉक्टर के साथ हो या मदर इन लॉ या खुद की माँ के साथ भी वो कंफर्टेबल नहीं होती है। एंड सो आई थॉट कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है एंड बहुत ज्यादा मदर्स को ये हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो डेफिनेटली आपकी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को और ज्यादा राहतमंद और पेनलेस बना दे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है ये टिप्स। तो सबसे पहली टिप है ईट हेल्दी फूड। ये पॉइंट जो है वो हमें पता होता है लेकिन हम फॉलो नहीं करते, लेकिन इस टाइम पे हमें ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो भी मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उनको हेल्थी फूड खाना मस्ट है, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आपको समझना है कि आप एवरी 2 आवर्स पे बच्चे को फीड करा रहे हो, मतलब आपके बॉडी का एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का जो पोर्शन है वो बच्चे को ट्रांसफर हो रहा है। सो आपको कंटिन्यूअस हेल्थी डाइट पे रहना बहुत जरूरी है। इसमें दूसरा पार्ट आता है कि जो भी फूड आप ले रहे हो उसमें से मिल्क प्रोडक्शन इम्प्रोवाइज के लिए भी फूड अलग से डाइट आपका होना चाहिए। इसमें आप क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि कौन सी चीजें खाने से आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंप्रूव होता है। सो उसके लिए यहाँ पे मैं लिंक डालती हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट टिप मैं बताऊंगी वो है ब्रेस्ट मसाज। जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तब बच्चे के साथ साथ मदर को भी मसाज दी जाती है पहले 1 से 2 महीने तक। सो ये जो मसाज दी जाती है इसमें इसको पोस्टनेटल केयर कहते हैं। तो ये जो मसाज दी जाती है इसमें ब्रेस्ट मसाज का पार्ट पोर्शन होना बहुत जरूरी है। अगर जो भी मसाज आपको देने के लिए आते हैं और वो ब्रेस्ट मसाज नहीं दे रहे, सो प्लीज टेल देम कि आपको ब्रेस्ट मसाज चाहिए। अगर उनको नहीं पता है तो आप बताओ कि कैसे मसाज करना है। सो नॉर्मली अप टूवर्ड्स द निप्पल डायरेक्शन, यानी कि ऊपर से लेकर निप्पल के टूवर्ड्स ये मसाज किया जाता है। इस मसाज के 2 फायदे होते हैं। एक, आपकी जो वेन्स है वो फ्री होती है एंड जो आपका मिल्क का सप्लाई है वो फ्रीली फ्लो होता है एंड आपको पेन नहीं होता है। एंड दूसरा, जो भी एक्स्ट्रा मिल्क बन रहा है, क्योंकि एक फेज होता है स्टार्टिंग में जिसमें आपका मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है एंड उस एक्स्ट्रा मिल्क को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। सो मसाज के ड्यूरिंग ये आउटफ्लो हो जाता है एंड इसकी वजह से मिल्क की गठरियां नहीं बनती है एंड आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अगर मिल्क की गठरियां बनती है देन आपको प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है एंड दैट इज वेरी पेनफुल। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ब्रेस्ट मसाज कराओ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टिप है वो है यूज ऑफ पिलोज। इसमें आप नॉर्मल जो घर में पिलो है वो यूज कर सकते हो या तो ब्रेस्ट फीडिंग के जो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डिजाइन पिलोज है वो भी ला सकते हो। मैंने पर्सनली नॉर्मल पिलोज यूज किए थे, इससे कम्फर्ट आ जाता है, आप और बच्चे का जो डिस्टेंस है वो कम होता है, आप प्रॉपरली बच्चे को फीड दे पाते हो, आपको बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा झुकोगे तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम होगी और साथ ही में बच्चा भी कंफर्टेबली फीड ले पाता है। सो डेफिनेटली पिलो का यूज करना बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टिप है वो है मॉइस्चराइज योर निप्पल्स। जब हम कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीड करा रहे बच्चे को एंड दैट टू फर्स्ट टाइम अगर मदर है आप, तो उस टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपके निप्पल में क्रैक्स आ जाते हैं या कहीं पे कट भी आ जाते हैं एंड वो बहुत पेनफुल होते हैं और बच्चे को तो आपको कंटिन्यूस फीड कराना ही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने निप्पल्स को मॉइस्चराइज करो। एक तरीका है, आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो या तो जो भी आप मॉइस्चराइजर अपने बॉडी के लिए यूज करते हो वही यूज कर सकते हो, लेकिन इस केस में आपको बच्चे को जब भी फीड दे रहे हो उसके पहले क्लीन करना निप्पल्स को बहुत जरूरी है। दूसरा ऑप्शन है कि आप निप्पल केयर बटर्स अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के, हिमालय का है, ममा अर्थ का है, मिमी का है, सो बहुत सारे ब्रांड्स के निप्पल केयर बटर अवेलेबल है। उसमें बोला जाता है कि आप नहीं भी वॉश करो तो भी चलेगा, बट आई प्रीफर कि आप हमेशा वॉश करके ही बच्चे को फीड कराओ और फीड करने के तुरंत बाद आप मॉइस्चराइजर लगा दो। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू मॉइस्चराइजर निप्पल्स। उसके बाद में नेक्स्ट टिप है वो है पंप आउट मिल्क। ये टिप मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि जब हम कंटिन्यूस फीड करा रहे बच्चे को, एक टाइम आता है जहां पे हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पा रहे अभी और फीड क्योंकि हमें पेन हो रहा है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप मिल्क जो है वो पंप आउट करो। आप ब्रेस्ट पंप यूज कर सकते हो या आप हैंड से भी पंप आउट कर सकते हो।
एंड बॉटल या जो भी तरीके से स्पून कटोरी कटोरी में मिल्क के स्पून से भी आप बच्चे को फीड करा सकते हो एक टाइम का फीड, क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो बहुत ज्यादा दूध नहीं पीते, थोड़ा सा दूध पीते हैं। सो आप बॉटल से पंप आउट करके भी मिल्क दे सकते हो एक टाइम पे, इससे डेफिनेटली आपको थोड़ा आराम मिलेगा और आपके निप्पल्स में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ क्रैक्स है तो उसको रिकवर होने का भी टाइम मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टिप है, वो है यूज ऑफ निप्पल शील्ड। निप्पल शील्ड कुछ इस तरह के होते हैं एंड पर्सनली मुझे भी इसका नॉलेज नहीं था, लेकिन जब मुझे एक टाइम था जब मुझे बहुत पेन होता था एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, तब मुझे ये पता चला निप्पल शील्ड के बारे में। सो निप्पल शील्ड मैं कहूँगी कम से कम एक महीने के बाद आप बच्चे के लिए यूज करो या 15 दिन के बाद यूज करो, तुरंत स्टार्टिंग में यूज मत करो, क्योंकि बच्चे को नेचुरली जो फीडिंग है या नेचुरली जो सकिंग प्रोसेस है वो बच्चे को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा अभी उस पर अडॉप्ट हो रहा है। एंड देन अगर आपको बीच में ये लगता है कि आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो एक हाथ दूसरे फीड के लिए आप जो है निप्पल शील्ड यूज कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टिप है, वो है यूज ऑफ ब्रेस्ट पैड्स और नर्सिंग पैड्स। ये एक कम्फर्ट की चीज है मैं कहूंगी, अगर एक टाइम होता है जब हमें बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है एंड मिल्क का ओवरफ्लो होता है, उस केस में कपड़े बार बार गीले होते हैं एंड बार बार हमें कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। सो वो एक फेज होता है जब हमें रेस्ट की जरूरत होती है, हम वीक हमारी बॉडी वीक हो चुकी होती है, उसमें फिर बार बार ये सब करना, इससे बेटर है कि आप ब्रेस्ट पैड्स या नर्सिंग पैड्स यूज करो। ये बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं एंड डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा एफर्ट इसमें बच जाता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टिप वो है कि अवॉइड यूजिंग ब्रास। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार कुछ वुमन्स जो है वो परफेक्ट साइज का ब्रास यूज करती है, उससे क्या होता है कि जो आपका मिल्क का ओवरफ्लो है या जो मिल्क बाहर आ रहा है ओवरफ्लो हो रहा है वो रुक जाता है एंड उसकी वजह से अगेन आपके ब्रेस्ट में मिल्क की गठरिया होके उससे प्रॉब्लम होना या उससे आपको पेन हो सकता है। इसलिए डेफिनेटली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें ब्रास का यूज अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट 2-3 मंथ्स। सो दीज आर इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी और आई होप कि आपको ये वीडियो एंड ये टिप्स यूजफुल होगी। एंड वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को क्लिक कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो अपलोड के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर आ जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स डालते हैं आने वाले कंटेंट के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बहुत सारे पर्सनल लाइफ रिलेटेड पोस्ट या वीडियोस वहाँ पे अपलोड करती हूँ, सो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मम्मा'स वर्ल्ड। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।